धनतेरस के शुभ अवसर पर शिवजन के नई पेठ में माता गजलक्ष्मी के मंदिर में माता का दुग्धाभिषेक किया गया। नई पेठ स्थित प्राचीन गजलक्ष्मी मंदिर में शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक माता का दुग्धाभिषेक किया गया। इसके पश्चात श्रृंगार कर आरती की गई। पुजारी अवधेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को वर्षों बाद धनतेरस का सुयोग आया है। शुक्रवार का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से है। इस दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत उपासना विशेष फलदायी होती है। यह मंदिर 2000 वर्ष पुराना है और यह मंदिर में विराजित मूर्ति विश्व की एकमात्र मूर्ति है जिसमें सफेद हाथी पर माँ लक्ष्मी विराजित हैं। अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना तो करता है, कहीं न कहीं हमारी मान्यता, हमारे धर्म या हमारी परंपरा के अनुसार आज विशेष इसलिए संयोग बना है कि आज शुक्रवार है, लक्ष्मी जी का दिन है और धनतेरस है, तो दोनों चीजें, दोनों संयोग एक साथ आने से पूजा का विशेष महत्व बन जाता है। धनतेरस, दीपावली व सुहाग पड़वा के दिन गजलक्ष्मी माता मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ इस दिन विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। यह धनतेरस के दिन माता का दुग्धाभिषेक किया जाता है। पड़वा के दिन सौभाग्यवती महिलाओं का तांता लगा रहता है क्योंकि इस दिन मंदिर में सिंदूर बजता है। यह वह सिंदूर रहता है जो वर्ष भर माता को चढ़ाया जाता है और पड़वा के दिन एकत्रित करके महिलाओं को बांटा जाता है। मान्यता है कि इस सिंदूर को लगाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। ये विश्व का एकमात्र ही मंदिर है जो गजलक्ष्मी के नाम से है। ये उज्जैन में नगर के बीच स्थित नई पेट में स्थित है। इस मंदिर का नाम गजलक्ष्मी मंदिर है। यहाँ पे सफेद हाथी रावत, जो इंद्र का हाथी है, उसके ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान है। आज धनतेरस के दिन सुबह माता का दुग्ध अभिषेक किया गया भक्तों द्वारा और उसके बाद विशेष पूजन की गई और यहाँ दिन भर भक्तों को बरकत के रूप में कोड़ी और पीले चावल दिए जाएंगे जिससे लक्ष्मी जी उनके घर में निवास करें।